गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पब्लिक हेल्थ केयर में। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक नेज़ल ड्रॉप है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, नेसो पिल, इसके बारे में हम बात करेंगे। बात करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बड़ी आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है नेज़ोपिल अडल्ट नेजल स्प्रे ड्रॉप है, और इसके एमआरपी की बात करें तो इसका एमआरपी जो अब है 57, यानी कि आपको 55 में बड़ी आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर हो गया उसमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके यूज़ की, इसके क्या काम आता है, इससे इसमें बात करेंगे। इससे पहले हम आपके इसके कंपनी की बात करें तो इसको सिस्टोपिक इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि पिल कंपनी का है। अब इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये किसके लिए है, इसमें लिखा भी गया है रिलीफ फ्रॉम ब्लॉकेड नोज, इनके जिसका सर्दी का जुकाम हो, आम जुकाम हो, नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो, इससे नाक में नाक बंद हो जाता है या सांस लेने में दिक्कत हो, कॉमनली इसका जो नाक को, नाक की नलियों को साफ़ करने के लिए और सांस के बड़ी आसानी से जो है और जो दिक्कत होती है उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, नज़ल को इंजेक्शन हो, कॉमन कोल्ड हो, एलर्जीज हो, स्टफ़ी नोज हो, या फिर जो है किसी चोट के लगने के कारण नाक में खून जम जाता है, तो उसको जो है सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल करने की डॉक्टर सलाह देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इसका इस्तेमाल। अब इसकी डोज की बात करें तो इसमें जो है कितना लेना है, ये जो है इसको ओपन करके दिखाते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो फ्रेंड्स, ये जो अंदर में इस तरह का होता है, ये दो फॉर्म का आता है, ड्रॉप और स्प्रे। ये जो हमारे पास है अब ड्रॉप बेस में है, ड्रॉप फॉर्म में है, और इसका इस्तेमाल की बात हम करते हैं। इसका इस्तेमाल, इसको ओपन करने के बाद जो है जिसने भी इस्तेमाल करना हो, या तो उसको लिटा दें या शोल्डर के पीछे अपनी फेस को नीचे झुका करना और इसका इस्तेमाल करें, यानी कि आप इसको ओपन करने के बाद अपने नाक में या तो इस तरह डाल सकते हैं कि इसकी बूंदें जो हैं, ड्रॉप्स हैं, जो नाक के अंदर जाएं, या जो स्प्रे फॉर्म में होता है वो नीचे रख के, या इस तरह के सीधा आप इसको पिचकाएं, दबाएं, जिसके आप इसके ऊपर जो है स्प्रे जो ऊपर आएगा और सीधा नाक के निचले हिस्से में रख कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इसका इस्तेमाल। अब जो इसके कंपोजिशन, जो इसके सॉल्ट की बात करें तो इसमें जैलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप, इसमें जो है जैलोमेटाजोलिन सॉल्ट डाला गया है, वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से जो है इसमें 0.5% है, जो कि काफ़ी तेज़ है और अडल्ट डोज में है। हमारे पास जो और भी इसमें दो तरह के आते हैं, अडल्ट और चाइल्ड, यानी कि पेडियाट्रिक, जो ये वाला है। इसमें डोज की बात करें तो 0.05 वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से, जो कि काफ़ी लाइटली बनाया गया है, जो बच्चों के लिए है, यानी कि चाइल्ड के लिए है। तो फ्रेंड्स, इसका जो डोज जो है कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी जो है, अडल्ट के लिए भी अलग-अलग आता है। डोज की बात करें तो इसमें जो है आप दिन में दो या तीन बूंदें तीन टाइम, यानी कि दो बूंदें दोपहर, शाम और सवेरे, मॉर्निंग टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इसका इस्तेमाल, अडल्ट के लिए अडल्ट वाला और बच्चों के लिए पेडियाट्रिक जो इस्तेमाल किया जाता है। अगर जो है 12 साल से ऊपर है तो उसको अडल्ट ही इस्तेमाल कराएँ। ये था इसका इस्तेमाल करने का तरीका। तो इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या सावधानियां बरतनी है,
इसको इस्तेमाल करने के जो मेन रीज़न है, इसको इसकी कैप को नहीं छूना है। अगर कैप को इसको इस्तेमाल करने के बाद किसी साफ़ कपड़े से इसके जो उपला उपला हिस्सा, कैप वाला हिस्सा होता है, इसको साफ़ कर लेना, ताकि एक दूसरे का एलर्जी रिएक्शन दूसरे को ना हो। और कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है घर में आम कॉमनली, अगर साफ़ किया होगा। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें इसको लेने के बाद कई कई को जो है सूट नहीं बैठता, इसको इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं, और कई को सूट बैठ भी जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसको यूज़ करने के बाद जो है नोज़ रेडनेस भी आ जाती है कई को नहीं भी होता है। लेकिन इसका दुश्मन नाम की बात करें, बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन सी, इरिटेशन जी होने लगती है। कई बार कई केसेस में आया है, कई केसेस में नहीं भी होता है, लेकिन किसी किसी को सूट नहीं बैठता तो इसका दुष्परिणाम यानी कि साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, रेडनेस जी आ जाती है, स्वेलिंग जैसा हो जाता है, और नाक छींकें काफ़ी इससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल फिर बंद कर दें, डॉक्टर से इसे कंसल्ट करें तो ही इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये था नेजोपिल स्प्रे का। इसमें जो मार्केट में और भी कई नाम की आती हैं, ये तो एक जेनरिक ब्रांड है। इसका जो काफ़ी एथिकल और ब्रांड आ रहा है, जिसका नाम है ओट्रीविन, वो जो है काफ़ी मशहूर है। इसको तो आप कम ही देखे होंगे, लेकिन उसको काफ़ी देखा होगा आपने, मार्केट में काफ़ी बिकता है वो। अगर आप भी इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर 3 दिन तक इसका इस्तेमाल करने की सलाह देता है, क्योंकि उसके बाद जो है तकरीबन ठीक ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था नेज़ल ड्रॉप का रिव्यू। अगर आप भी इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज़ इसकी सावधानियां जो है अपनाएं। धन्यवाद।